हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का दिन बहुत ख़ास है। वो ख़ास इसलिए है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने गांव में, और गांव में है आज समदा। और समदाओं की स्टोरी कुछ ऐसी है क्योंकि नवरात्रे जैसे कि चल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की शादियां फिक्स हो गई हैं, और जब भी शादियां होती हैं तो समदाओं का काम शुरू हो जाता है। समदा मतलब लकड़ी काटना शादी के लिए, जिसे धाम तैयार होती है। ये है आरा जिसे हम लकड़ियां काटते हैं, और अभी तो हमारे गांव में कनक की कटाई भी चल रही है और वेदर भी आपको पता है खराब ही चल रहा है आजकल। चलो आपको अपने खास दोस्तों से मिलाते हैं। हीरा मोती, क्या हाल है? बढ़िया। क्या हाल है हीरा मोती, बताओ। ओ राम से, राम से, राम से, राम से। हाँ ले, कुछ नहीं लाना। आपने बचपन में हीरा और मोती की स्टोरी तो सुनी होगी, वैसे इनका नाम हीरा और मोती नहीं है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये रतनपुर फोर्ट, जो कि हमारे घर के पास में ही है। ले चलेंगे कभी आपको वहां। अभी तो अभी हम पहुंच गए हैं घर में जहाँ पे आज समदा है, तो निकलेंगे अभी हम समदाओं के लिए। तो यहाँ पे हिमाचल में जनरली मतलब लकड़ियाँ लोग मिलजुल के ही काटते हैं, तो जैसे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और सभी मतलब हेल्प करवाते हैं उनकी जहाँ पे भी शादी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, और आज हम काटेंगे एक चील जो कि सूखी चील है। तो यहाँ पे लोगों का मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा है कि मतलब आप देखोगे कि लोग खुद से ही पेड़ लगाते रहते हैं, और जैसे जब भी ऐसे गांव में फंक्शन फेस्टिवल्स या कुछ भी होता है तो हम लोग जो भी हैं हरी हरी लकड़ी या हरे पेड़ वो नहीं काटते, हम सूखे पेड़ ही काटते हैं। तो आप देख सकते हैं लोग कैसे एक दूसरे की हेल्प कराते हैं यहाँ पे, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है जब भी ऐसे किसी के यहाँ फंक्शन होता है। ये लोग दिहाड़ी पे नहीं है, ये सभी लोग जैसे एक दूसरे के भाई हैं, चाचा ताया ऐसे करके हैं, तो सभी लोग ऐसे मिलजुल के काम कराते हैं। और जनरली सारा काम हाथ से और मेहनत से होता है, तो हिमाचल के लोग तो बहुत मेहनती होते हैं जैसा आपको सबको पता ही है। और मेहनत पसीने में निकल रही है अभी, देख सकते हैं आप। लकड़ियां काटना भी इतना आसान काम नहीं है भाई। और जब लकड़ियां कट जाती हैं अब हमारे उठाने लायक हो जाती हैं तो हम उनको ढोते हैं जहां पे भी घर है। तो ऐसे देखिए आप, यहां पे सारी लकड़ियां इकट्ठी करके रखते हैं ऐसे पहले। और
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे काम में बच्चे भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और आप देख सकते हैं बेशक इन बच्चों ने थोड़ा थोड़ा उठाया है, बट यू नो कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लेके आते हैं तो उससे भी बड़ी हेल्प होती है। तो ये बच्चे अपने आप से, इनको किसी ने कहा नहीं है, बट अपने आप से ही आ रहे हैं और उठा के ला रहे हैं लकड़ियाँ। हम लोग तो काफ़ी बार बैठ भी गए थे, पर ये तो एक बार भी नहीं बैठे। तो एक तो हमने चील काट ली है, अब यहाँ पे एक दूसरा पेड़ हमें काटना है ताकि सफिशिएंट समदा हो जाए, क्योंकि लड़की की शादी है तो कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे एक साइड को लोग अपना काम कर रहे हैं, दूसरी साइड को ऐसे चिराई हो रही है। इनको इसको बोलते हैं लकड़ी को मतलब एक बराबर अनुपात में काटना, ताकि वो हमारी जो चर होती है जिसमें हम लोग मतलब धाम बनाते हैं वहाँ पे वो प्रॉपरली आ जाए। तो ऐसे उसको हम कलहाड़ी से बराबर बराबर हिस्सों में करते हैं, पर इसके लिए भी टैलेंट चाहिए। और आप देख सकते हैं कि काम अपने आप हो रहा है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जैसे जैसे जो जो काम जिसको दिख रहा है वो काम कर रहे हैं और सही से मैनेज हो रहा है। तो ये जो लग गया है इसको बोलते हैं लकड़ियों का चट्ठा, तो हमने ये लगा दिया है। चलो फाइनली लग गया लकड़ियों का चिट्ठा। अब जो हमने दूसरा पेड़ काटा है उसकी भी चराई करनी पड़ेगी। वो थोड़ा गीला सूखा पेड़ था तो उसको हम सूखने डाल देंगे, क्योंकि गर्मियां हैं तो लकड़ी जो भी जैसे गीली लकड़ी भी होती है वो भी सूख जाती है, मतलब हरी लकड़ी। शाम होते होते देखो वेदर भी कैसे खराब हो रहा है। हिमाचल में कोई पता नहीं लगता वेदर का, कभी भी चेंज हो सकता है। तो समदा ऑलमोस्ट हो गई है, तो ये रही हमारी समदा की स्टोरी। और देखिए शाम का व्यू कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। ये है अपना गांव खुई। तो आज का दिन तो आपने देख ही लिया होगा वीडियो में कि कैसा रहा। आज हम समदा कराने गए थे और अभी मैं जस्ट फ्रेश अप हुआ हूँ और आप देख सकते हैं मेरे बाल अभी भी गीले हैं। तो होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही आप हमारे चैनल को शेयर करते रहें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेक केयर एंड बाय बाय।